प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। ट्रेड यूनियनों द्वारा सेल में बुलाया गया हड़ताल रहा सफल, महिला कर्मी भी हड़ताल में हुई शामिल। बनपुर गुरुद्वारा कमेटी के बाद धर्मांतरण को लेकर मुखर हुआ ध्रुव डंगाल गुरुद्वारा कमेटी के सिख समुदाय। शिल्पांचल में मना हुल दिवस, याद किए गए सिद्धू कानू। आईएसपी सहित सेल कर्मियों के सम्मानजनक वेज रिवीजन की मांग को लेकर इंटक को छोड़कर ट्रेड यूनियनों द्वारा पूरे सेल में बुलाया गया हड़ताल असरदार रहा। इसको स्टील प्लांट में हड़ताल का असर काफी प्रभावी रहा। हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों के समर्थकों के साथ आईएसपी कर्मियों ने सुबह से ही आईएसपी के सभी गेटों पर प्रदर्शन किया। आईएसपी के टनल गेट समक्ष हड़ताल समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हड़ताल समर्थकों के साथ मौजूद कर्मियों ने टनल गेट के समक्ष जमकर नारेबाजी की, साथ ही सुबह ड्यूटी पर जा रहे श्रमिकों को ड्यूटी नहीं जाने की अपील की। वहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने गेट पर जमकर नारेबाजी कर रहे हड़ताल समर्थकों को हटाने का प्रयास किया, जिससे हड़ताल समर्थकों और सीआईएसएफ जवानों के बीच बहस हुई। इससे कुछ देर के लिए यहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख ट्रेड यूनियनों के नेताओं व कर्मियों के साथ पुलिस ने हड़ताल समर्थकों को समझा बुझाकर शांत कराया। दूसरी तरफ हड़ताल सफल होता देख ट्रेड यूनियनों में उत्साह का माहौल है। पूर्व सांसद सह सीटू जिला महासचिव बंश गोपाल चौधरी ने इस्पात हड़ताल को पूरी तरह सफल बताते हुए श्रमिकों के एकजुटता की प्रशंसा की। आज के सारा भारतवर्ष इस्पात शिल्पे धर्मवाद 6 बार आलोचना हुए थे। इस्पात कर्तृपक्ष सेलर मैनेजमेंट कोनो भावी श्रमिक देर दाबी गत 53 मास धरे तारा मानते चाहिए এবং আমি খবর পাচ্ছি যেটা যে এই ধর্মঘটে সমস্ত শ্রমিকরা ইস্কোতে যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, বোকারো থেকে রাউরকেল্লা সারা ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তগুলোতেও আজকে একই ছবি। ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্টে পুরোপুরি ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ এবং আজকে বার্নপুর ইস্কোতে অভূতপূর্ব এই এ শিফটে মাত্র অ্যাটেন্ডেন্স হয়েছে 9%। সমস্ত ওয়ার্কাররা, আমি কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নির্বিশেষে আমি বলছি যে সব ওয়ার্কাররা আজকে এখানে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। অভিনন্দন এখানকার শ্রমিকদের এবং মহিলা শ্রমিকরা পর্যন্ত আজকে তারা গেটে পিকেটিং করছে, মহিলা শ্রমিকরা তারা দাঁড়িয়ে আছে।
মহিলা যারা এখানে কাজ করেন তারাই ধর্মঘটকে সমর্থন করে তারা পিকেট করছেন, শ্রমিকদের আবেদন করছেন এবং কোনো জোর জবরদস্তি না, কোথাও কোনো অশান্তি হয়নি। সকাল থেকে সকাল 5টা থেকে 4টে গেটে সব জায়গায় শ্রমিকরা অবস্থান করছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং এই ধর্মঘট এখানে সফল হয়েছে, আমি এটা বলতে পারি পরিষ্কার ভাষায় যে ইসকোর ধর্মঘট সফল হয়েছে। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. पश्चिम बंगाल बावड़ी जाति विकास संघ के राज्य समन्वयक वरुणा बावड़ी और पुरुलिया जिले के जिला संयोजक सम्राट बावड़ी समेत कई नेता शांति बनाए रखते हुए पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के न्यू केंद्रा गांव में बावड़ी समाज के उत्पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे। वहां उनके सभी शिकायतें सुनने इन लोगों ने पीड़ितों के साथ रहने का वादा किया। सम्राट बावड़ी ने कहा पूरे राज्य में बावड़ी समाज के लोगों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न बंद किया जाना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर फांसी दी जानी चाहिए, ऐसी सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए। এবং বাউরি জনগোষ্ঠীর মানুষ শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে ফেরে বসবাস করবে, মাথা তুলে বাঁচবে। যেই জায়গাতে যে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের এলাকায়, সে ক্ষয়ক্ষতির প্রশাসন রয়েছেন, তারা দেখবেন এবং পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য। আমরা তাই কেনা প্রাণীর কাছে এবং জামুড়িয়া ওসি সাহেবের কাছে আমরা আমাদের স্মারকলিপি তুলে দিলাম। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। देश में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने तथा कश्मीर में 4 सिख युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर विवाह कराने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सिख समुदाय द्वारा इसका कड़ा विरोध जताते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर बनपुर के ध्रुवडंगाल स्थित ध्रुवडंगाल गुरुद्वारा प्रांगण में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए हरपाल सिंह जोहाल ने घटना में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मैं पूरे देश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, पर ये जब ये चीज हो जाती है तो ये हमारे सिख कौम ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। मुल्क के लिए जब मुल्क के लिए कुर्बानियां की हैं तो अपने पर पड़ने से भी हम लोग कुर्बानी करने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश की एक व्यवस्था है, राज में
वहाँ भी राज है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें हमारे बहुत प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी ऐसी चीज़ों पर रोक लगाया जाए ताकि सिख कौम जो पूरे देश के साथ में कंधे से कंधा मिला के इस कोरोना काल में पूरी सिख जगत के लोगों ने हर जगह अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा ही काम किया है, लोक भलाई का, देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की कुछ स्टूडेंट बच्चियाँ जो दिल्ली में और जगह पर फंसी थी उनको अपने खर्चे पर उनके घर पहुँचाया गया। जब हम लोग अपनी किसी और की आपकी बच्ची को अपनी बच्ची समझ के आपके घर तक पहुँचा रहे हैं तो आप भी इस तरह का रवैया करिए। ये जो हमारा पूरे भारत में भाईचारा मजबूत है, इसको इस तरह की शरारती लोगों के चलते ये भाईचारे का नुकसान होता है। और हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ध्रुव डंगाल, खालसा सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के बोर्ड मेंबर होने के नाते हम इस बात के ऊपर चिंता जाहिर करते हैं सिखों की, और हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ी सी भी ढील मत दें, इस पर पूरा पूरा जो आपका फर्ज बनता है पूरी सख्ती से निजिठें इन लोगों के साथ में, ताकि आने वाला समय में कोई भी ऐसा शरारती व्यक्ति, कोई भी ऐसी शरारती ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर पाकिस्तान के एजेंसियों के हत्थे चढ़ के हमारे देश में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहता है वो ना कर पाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पूरे सिंपांचल में श्रद्धा और उत्साह के साथ आदिवासी समाज ने हुल दिवस का पालन किया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के द्वारा काली पहाड़ी के समीप बंगलापाड़ा मैदान में हुल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक विभु गोयल, पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर, जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी समेत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा प्रदीप प्रज्वल कर हुआ। इसके बाद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके बाद आदिवासी समाज के महिलाओं के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। वीर शहीद प्रतिकृति माल्यदान कर श्रद्धा जानान प्रत्येक पश्चिम बंग सरकार एवं पश्चिम बर्धमान जिला शासक, माननीय प्रशासक आसनसोल पौर निगम, माननीय विधायक जामुड़िया रहेछेन তাদের সকলের উপস্থিতিতে। शिल्पांचल के विभिन्न आदिवासी बहुल इलाके में हुल दिवस का पालन किया गया। हुल दिवस के अवसर पर बर्णपुर के हरामडी गांव स्थित ग्राउंड में लेक्चर सम्मेलन बर्णपुर द्वारा हुल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेक्चर सम्मेलन तथा आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों ने हुल दिवस पर प्रकाश डालने के साथ आदिवासी समुदाय को एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। लेक्चर सम्मेलन के संस्थापक मोतीलाल सोरेन ने बताया कि कोरोना काल को लेकर जारी निर्देशों के तहत काफी सादगी के साथ कुल दिवस का पालन किया गया। जो आज से 166 साल पहले हमारे ब्रिटिश जो राज करते थे, हमारे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध में 1955 साल में ये लोग ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था हमारे देश माने आज़ादी के लिए, हमारे देश से अंग्रेज को भगाने के लिए। ये आपको 30 जून को लोग बैठा था, 30 जून 1955 को बैठा था भोगनाडी, आज जो है साहेबगंज जिला, पहले दुमका जिला था संताल परगना के। तो उस कार्यक्रम को, उस दिवस को हम लोग स्मरण करने के लिए आज ये हमारे प्रोग्राम किए हैं।